सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस 13 के आज के वीकेंड के बारे में। तो स्टार्टिंग में ही बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया जहां पर उनको रैंक करना था कि कौन अकॉर्डिंग टू दी ऑडियंस कि कौन किसको शो में ज्यादा देखना चाहता है। उनके लिए उन्होंने एक मिनट्स का हिसाब रखा कि 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 7 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स कि कौन किस रैंक पर डिजर्व करता है खड़े रहना। तो अकॉर्डिंग टू कंटेस्टेंट्स 30 मिनट्स पे रखा शनाज को, 15 पे रखा सिद्धार्थ शुक्ला को, 7 पे रखा विशाल को, 5 पे आरती और 3 पर उन्होंने आपसे सहमति नहीं हो पाई। हद कर दी कि ये इस पे भी आपसे सहमति नहीं हो पाई, पर लेकिन यहाँ पे कंटेस्टेंट की ज्यादा गलती नहीं थी क्योंकि टास्क इस तरीके का था कि आपसे सहमति होती ही ना, क्योंकि 30 मिनट्स मेरे ख्याल से सभी एक से बढ़कर एक हैं, तो 30 मिनट्स पॉसिबली किसी को भी नहीं मिलने वाला था और उसके बाद डायरेक्ट 15 था उसका आधा, तो ये टास्क कंप्लीट होता ही नहीं किसी की आपसी सहमति पे। क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 में काफी डिजर्विंग कंटेस्टेंट जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शनाज, पारस और रश्मि, तो इस हिसाब से रैंक करवाना चाहिए था ना कि मिनट से। बट लेकिन बिग बॉस को टीआरपी चाहिए तो ऐसे टास्क देना उनको बनता है जिसमें आप सहमति ना हो और जायजा झगड़े हो। सो अकॉर्डिंग टू पब्लिक यहाँ पे मैक्सिमम जो मिनट्स होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20 मिनट, उससे कम 17 मिनट्स, फिर 13 मिनट्स, फिर 7 और फिर 3। तो यहाँ पे जो 20 मिनट्स है वो मिलने चाहिए थे सिद्धार्थ शुक्ला को, 17 मिनट्स मिलने चाहिए थे आसिम को, 13 मिनट शनाज को, 7 मिनट्स पारस को और 3 मिनट्स रश्मि को मिलने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू पब्लिक। बट यहाँ पे बिग बॉस ने 30 मिनट्स, उसके बाद 15, फिर 7, 5 और 3 रखे, लड़ाइयाँ करवाई कंटेस्टेंट्स में, वो अलग बात है और काफी मेरे लिए अच्छी बात है कि बिग बॉस ने वाला टास्क दिया, क्योंकि मुझे एक बात डिस्कस करनी थी आप लोगों से। जो बिग बॉस का प्लान है कंटेस्टेंट्स को रखने का टॉप में, मतलब विनर, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, और अकॉर्डिंग टू पब्लिक मैं इस बारे में वीडियो बनाने वाला था, पर लेकिन काफी अच्छा हुआ कि बिग बॉस ने वाला टास्क दे दिया और मुझे मौका मिल गया इस बारे में बोलने का। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें बिग बॉस जो चाहते हैं वो एक लिस्ट है और जो पब्लिक चाहती है वो एक लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू बिग बॉस और अकॉर्डिंग टू पब्लिक। तो यहाँ पे बिग बॉस के हिसाब से नंबर 1 पे होना चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला को, जबकि ऑडियंस यानी पब्लिक के हिसाब से भी नंबर 1 पे होना चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला को। बात करें नंबर 2 में, तो नंबर 2 में थोड़ा यहाँ पे झोल है। तो यहाँ पे बिग बॉस जो चाहते हैं वो चाहते हैं रश्मि देसाई को नंबर 2 पे होना, बट यहाँ पे पब्लिक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। पब्लिक नंबर 2 पे चाहती है आसिम को। अगर बिग बॉस ने ये वाली चीज करी कि नंबर 1 पे सिद्धार्थ और नंबर 2 पे रश्मि को रखा, तो यहाँ पे पब्लिक बहुत गंदा भड़क जाएगी और भड़कना भी चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, दीपिका कक्कड़ को विनर बना दिया था बिग बॉस वालों ने। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर बिग बॉस का ओरिजिनल प्लान जो है वहां पर शनाज को होना चाहिए, कि एक्चुअल में भी नंबर 3 पर शनाज ही है। तो यहाँ पे नंबर 1 पर सिद्धार्थ और नंबर 3 वाला जो है शनाज वो काफी क्लियर है, बट नंबर 2 में रश्मि की जगह आसिम को होना चाहिए। बात करूं नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर अकॉर्डिंग टू बिग बॉस आसिम होने चाहिए, बट मैं पब्लिक के हिसाब से बताऊं तो आसिम तो सेकंड पर है, तो फोर्थ पर आना चाहिए पारस को। अब मैं बात करूं फिफ्थ पोजीशन की, तो बिग बॉस के हिसाब से फिफ्थ पर होने चाहिए पारस, जबकि पारस को मैंने ऑडियंस के हिसाब से फोर्थ पर रखा है और फिफ्थ में रखना चाहता हूं रश्मि को। तो ऑडियंस जो चाहती है वो यही रैंकिंग चाहती है और एक्चुअल में होनी भी यही चाहिए, बट लेकिन बिग बॉस का कुछ पता नहीं, क्या पता वो ये वाली रैंक कर दे, क्योंकि उनका पूरा पूरा मन है टॉप 2 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को खड़ा करने का। बट मैं बता रहा हूं अगर बिग बॉस ने ऐसा किया तो पब्लिक गंदवाला भड़क जाएगी इनके ऊपर, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। हम उम्मीद कर रहे थे कि रोमिल चौधरी या दीपक ठाकुर में से कोई टॉप पर है और यहाँ पे दीपिका कक्कड़ आ गई, जिनका कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि बिग बॉस वाले ऐसा करते हैं, क्योंकि दीपिका कक्कड़ काफी टाइम से ससुराल का सिमर कर रही थी और कलर्स के साथ कनेक्टेड थी, इसीलिए शायद उन्होंने उनको आगे करा। और सेम विद रश्मि देसाई, रश्मि देसाई ने भी कलर्स के उतरन और दिल से दिल तक शोज किए हैं, इसलिए वो उनको पुशअप ज्यादा करना चाहती है। तो मेरे हिसाब से यही रीजन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।